सीजन के को होस्ट अनिकेत चौहान का। जय, मेरा एक रिक्वेस्ट है। क्या? वी वॉन्ट लाइक दिस डांस। जय, आई एम ऑन योर साइड। ये गलत हुआ। वो बोल रही है कि यू शुड डांस लाइक अनिकेत। मैं तो कहती हूँ अनिकेत, यू बेटर एंकर लाइक जय, क्योंकि इससे अच्छा गुरु तुम्हें नहीं मिलेगा। yes, और इससे अच्छा शिष्य नहीं मिलेगा। yes, ma'am. जो ऑलरेडी टैलेंटेड है। अच्छी जोड़ी है यार। पहला कंटेस्टेंट प्लीज आ जाइए। कितने प्यार से बुलाती हैं आप, मतलब पूरा इंडिया ना आ जाए। मेरा नाम है स्टीव जरवा, मैं 17 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं शिलोंग से आया हूँ। मेरा आईवीडी पे आने का एक रीज़न है, वो है मेरी नानी। हेलो। वो चाहती है कि मैं एक अच्छा डांसर बनूँ। उनके साथ मेरा एक अलग सा बॉन्ड बन चुका है, तो मेरे को ऐसा फील लगता है कि वो ही मेरे मम्मी है। कोई तुझसा नहीं है यहाँ। बेस्ट फ्रेंड है मेरा भाई, मेरा पापा, सब मेरे वही है। चलो नानी, मेरा परफॉर्मेंस है अभी, चलो आपको दिखाता हूँ। Is this a contestant? Yeah. Oh. Hello. आप फोन देख रहे हो? Hello, ma'am. Hello. मेरा नाम Steve है and मेरी नानी है वीडियो कॉल पे। Oh. उनको मेरा परफॉर्मेंस देखना था। No worries. No Very sweet. Okay. Very sweet. Okay, नानी जी आप देखिए please, जरूर। So come on, let's see your performance. All the best, Steve. Let's go. ऐसे लगा कि खत्म कैसे हो गया। और लंबा होना चाहिए था। बट वॉट फुटवर्क, वॉट एक्सप्रेशन, आई लव्ड इट। नो लो लव।
मुझे फ्री स्पिरिटेड डांसिंग ना बहुत पसंद है. जब लोग डांस करते हैं एंड डांस लाइक नोबडी इज वॉचिंग, वो मुझे आपके डांसिंग में नजर आया. ऐसा लगा कि दुनिया एक तरफ, मैं मेरी दुनिया में, मैं डांस कर रहा हूँ, मैं एक तरफ. थैंक यू सो मच मैम. इसलिए ये हो जाता है मम्मी कह रही है नीचे प्रोग्राम देख के मम्मी यंग हो गई है. आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज स्टेज आईबीजी के स्टेज में मेरे को जी आज जो वहां पे है सिर्फ मम्मी की वजह से. अपना नानी का नाम रोशन कर रहा है. मम्मी जो है स्टीव के लिए बहुत कुछ किया है मैम. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ जन्म दिया है स्टीव को और कुछ नहीं. स्टीव छोटा था, बचपन में चल नहीं पाता था. स्टीव कैल्शियम नहीं था स्टीव के, उसी वजह से ये खड़े नहीं हो पाता था, चल नहीं पाता था. बट मम्मी इसको लेके जाती थी हॉस्पिटल. टैक्सी में नहीं जाती थी, पैदल जाती थी स्टीव को लेके. फिर धीरे धीरे मम्मी को पता चला इसको बच्चे को एक्सरसाइज का जरूरत है. मम्मी मॉर्निंग 4 बजे उठ के स्टीव को लेके जाती थी मॉर्निंग वॉक में. फिर धीरे धीरे मम्मी को देखती थी स्टीव बेड पे बैठ के टीवी देखता है, फिर डांस करता है बेड बैठ के, खड़े तो नहीं हो पाता है. पर मम्मी कभी पीछे नहीं आता स्टीव के लिए, बस स्टीव को पीछे से पुश करते गया. मम्मी और ये स्टीव भी ऐसा है, स्टीव को अगर नानी मिल जाए ना मैं और कोई नहीं चाहिए. नानी स्टीव के लिए भगवान है. मैं यही चाहती हूँ जिस स्टीव अपना नानी का नाम रोशन करे. नानी जी अभी आप आ जाइए मुंबई हमसे मिलने, हम सबसे मिलने. अच्छा. जब आप स्माइल करती हो ना तो आप बहुत खूबसूरत लगती हो नानी जी. एक और वाओ स्वीट शी लुक्स यार, ब्यूटीफुल है आप. थैंक यू नानी जी. बाय. थैंक यू स्टीव. आप एकदम अपनी नानी की तरह लगते हो. क्या स्माइल है यार तेरी. मेरे लिए भी मेरी नानी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट थी. मैं और करीना उनको ग्रैनी बुलाते थे और शी रियली लुक्ड आफ्टर अस अ लॉट. और जितने भी हमारे जो वैल्यूज़ है, थोड़ा बहुत मुझे जो कुकिंग आता है उसने मुझे सिखाया था. तो आई थिंक ये जो बॉन्ड है ना आपका, जो प्यार मुझे, बहुत अच्छा लगा मुझे. थैंक यू सो मच मैम. नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन, आप मौका चूज करोगे या चौका? अगर आपने मौका चूज कर लिया तो आप सीधे उस राह पे चलिए जहाँ पे हम आपको ले जा रहे हैं. चौका वो गुगली है जहाँ पे वो मौका मिलेगा कि आप सीधा बेस्ट 12 में चले जाते हो. एंड इफ यू फेल, जो आपको एक मौका मिला था कि आप आगे एक स्टेप और बढ़ सकते हो, आप डायरेक्टली एलिमिनेट होके घर जाते हैं. सोच समझ के स्टीव. सर मैं मौका लेना चाहूंगा. गो अहेड. क्या बात है. सुपर. ऑल द बेस्ट. करिश्मा जी, क्या था आपका रिश्ता अपने नानी के साथ? मैं बहुत क्लोज थी. हाँ. मेरी नानी जो थी वो ब्रिटिश थी. ओह. तो वो बहुत हमें इंग्लिश खाना खिलाती थी, यू नो, लाइक रोस्ट चिकन, शेपर्ड्स पाई, वो ये चीज बिस्किट, सूफले, चॉकलेट बिस्किट, वो बहुत स्पॉइल करती थी हमें. और मेरी नानी जो थी ना उस जमाने में वो एम्बेसडर गाड़ी खुद चलाती थी. अरे वाह. और वो भी साड़ी में. अच्छा. वो हमें क्लब ले जाती थी और आगे वो चलाती थी और मेरे नाना बैठते थे और हम ग्रैंड चिल्ड्रन पीछे. तो हमें बहुत अच्छा लगता था कि हमारी ग्रैनी, यू नो, गाड़ी चलाती थी ऐसे, और वो भी बड़ा गाड़ी, एम्बेसडर कार.
I think grandparents are very, very special. Next contestant, please. Hi. Hi. Hello. Hi. Hello, everyone. So, this is Malayalam, my native language, sir. Hindi mein baat kijiye na, please. Hindi. Yes, sir. Hindi. What is your age? Sir, Hindi. ये क्या लिखा है बोर्ड पर? नाम क्या आपका? वैसे तो मेरा नाम यश गर्ग है, पर करिश्मा मैम चाहे तो मुझे हीरो नंबर वन बुला सकती है. अच्छा. करिश्मा मैम के फैन लगते हो? उनका फैन नहीं, एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज सब कुछ हूँ. एज क्या है आपकी? जिस उम्र में करिश्मा मैम ने अपनी पहली फिल्म करी थी उससे बस एक साल ज्यादा, मतलब 18. आईबीडी में क्यों आया? मैं आईबीडी में करिश्मा मैम का फेवरेट बनने आया हूँ. ऐसे कैसे कोई आ सकता है? कौन आ रहा है देखता हूँ मैं भी. करिश्मा मैम का सिर्फ मैं ही फेवरेट हूँ और किसी को आने नहीं दूंगा मैं. कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी. उतना ही नहीं. सो क्यूट. हाय. सोना कितना सोना है. शेयर कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे भाई? इधर तो आ. संख्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन. ओह माय गॉड, ही इज सो क्यूट. मैं तेरा हीरो नंबर. अरे भाई क्या कर रहे हैं? कम हेयर, ये सब अलाउड नहीं है भाई, तेरे को पता नहीं है आप. भैया मुझे पूरा यकीन है कि आज करिश्मा मैम मुझे जरूर पसंद करेगी. ऐसे भी मैं उनके बारे में सब कुछ जानता हूँ. क्या बात कर रहे हो? सबसे पहले मुझे जल्दी जल्दी बता दे कि करिश्मा जी को फर्स्ट नेशनल अवार्ड कब मिला था? करिश्मा मैम को पहला नेशनल अवार्ड दिल तो पागल है मूवी के लिए मिला था 1998 में. और मैम उस दिन जब अवार्ड रिसीव करते वक्त आपने वो व्हाइट और गोल्डन साड़ी पहनी थी और गजरा लगाया था, आप बहुत खूबसूरत लग रहे थे. यश, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ कि आपको ये पता है और आपने ऑब्जर्व भी किया कि मैंने क्या पहना था. थैंक यू मैम. सो स्वीट. अनिकेत असली फैन है, ट्रू फैन. आप बताओ कि करिश्मा जी का सबसे फेवरेट फूड कौन सा है? मैम को खाने में ना कम खाना पसंद है. मैम डाइट पे हैं. ये तो आपने बिल्कुल गलत ही जवाब दे दिया. गलत जवाब दिया. भैया मैं बताता हूँ, मैम को सबसे ज्यादा चाइनीज क्यूजीन पसंद है. अच्छा एक और सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ. हाँ. जल्दी जल्दी. मैम ने आज जो नेल पॉलिश लगाई है वो कौन से कलर की लगाई है? जल्दी ये बता. ही था मानू. चारकोल ग्रे. ओह माय गॉड, चारकोल ग्रे. आपने ये भी देखा? बहुत इम्प्रेसिव, बहुत इम्प्रेसिव. तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं. अभी ये तो साबित हो गया कि यश ही एक्चुअल फैन है. अभी डांस देखते. ऑल द बेस्ट यश, आई थिंक यू आर गोइंग टू बी अमेजिंग. थैंक यू मैम. साउंड प्लीज. जैसे है नदी, लहर लहर जैसे बह रही है. कोई अनकही, कोई अनसुनी बात धीमे धीमे कह रही है. कहीं ना
कहीं ना कहीं खोए हुए से है मैं और तू मदहोश दोनों जो गुमसुम गुमसुम है ये फिजाएं जो कहती सुनती है ये निगाहें गुमसुम गुमसुम है ये फिजाएं है ना यश यस मैम मुझे पता था कि तुम बहुत स्पेशल हो थैंक यू मैम योर एक्सप्रेशंस योर ग्रेस योर मूव्स दे वर मैग्निफिसेंट एंड आई जेन्युइनली फेल्ट दैट थैंक यू सो मच मैम तो आफ्टर दिस परफॉर्मेंस मुझे लगता है अनिकेत इज इन ट्रबल क्या बात है क्योंकि शायद आप मेरे फेवरेट बनने वाले हो क्या बात है सोना है सोने जैसा तेरा मन सुन जरा सुन मेरे तरफ से दो लो ले लो यश यू हैव The most amazing footwork like Aniket and smoothness like Samarpan. अगर Aniket और Samarpan को मिलाया जाए तो वो dancer कैसा होता वो ऐसा वैसा होता Thank you so much, sir. मुझे लग रहा है हर किसी का फेवरेट बनेगा ये लड़का yes. अगर रह गया शो पे Thank you, ma'am. You are definitely a deadly winning combination. Absolutely. And बस आराम से बैठ के अभी जल उसको देखो हाँ प्लीज जल हाँ तो क्या चूज करोगे बता दो मैम सो मैं अभी और शो में रहना चाहता हूँ और अपनी फेवरेट करिश्मा मैम के सामने और बार बार परफॉर्म करना चाहता हूँ तो जिससे मुझे एक और बार चांस मिले मैं मौका चूज करूंगा अपने डांस के लिए एंड ही इज लिटिल इंटेलिजेंट आल्सो गुड चॉइस वेल डन करिश्मा मैम आप इतने सुंदर लग रहे हो आज भी आपने इतना अच्छा ड्रेस पहना है Thank और you. आपकी प्रेजेंस इतनी सुंदर है और आपका डांस आपकी एक्टिंग सभी वेज में आप एकदम बेस्ट हो तो मैम क्या मैं आपके साथ एक बार स्टेज शेयर कर सकती हूँ
लिए जाए 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 And we want to know a lot of things. Ki aap itni badi star hai. You have a history of people who have always been stars. But we want to know ki aap wo sab cheezein karti jo aam insaan karte hain. Like, kya aap matar chhilti ho? Matar chhilti. Haan ji, bilkul. Aur kya aap kabhi market jaake bargaining karti ho ki yaar itne nahi dungi, main itna hi dungi. Mujhe sab pata hai kanda batate ka bhav agar badh gaya hai. तो मैं डिस्कस करती हूँ ऐसे कैसे हो गया मेरा तो बिल बढ़ रहा है आजकल मेरा पूरा ध्यान है सब चीजों तो फिर बताइए और प्याज मुझे का भाव बहुत... क्या है पर मुझे मटर छीलने आता है मुझे बिल चेक करने आता है अच्छा मुझे हिसाब मेरा ऊपर नीचे हो रहा है वो सब मैं ध्यान देती हूँ ये सब करिश्मा जी आपने टेलीविजन के लिए बोल दिया नहीं नहीं ये सब सही है हम यहाँ पर लाइव कराएंगे करिश्मा मैम आपने मटर मंगवाई और ये मटर हाजिर है स्पेशली आपके लिए स्पॉट लेंस मंगवाए बेसिकली ये आपका टेस्ट है चलो चलो मुझसे इतना पूछ रहे हो आप भी सेलिब्रिटी हो बड़े बड़े जज हो आप भी करो फिर हमको आ जाते चलो चलो करते हैं घर पे मैम और एक चीज मैं कहूँ मुझे गोभी मटर बहुत पसंद है मुझे भी बहुत पसंद है आई एम वेरी देसी हाँ गोभी मटर खाने में यमी यमी आई थिंक टेरेंस यू आर वेरी इनटू ईटिंग Not bad. इतने confidently आप अंदर डाल रही है हो सकता कीड़े भी हो अंदर अरे मैं चेक कर रही हूँ Guys, आप सब मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो Terence सर बोले कुछ भी हो हाँ करिश्मा मैम के लिए तालियां हो जाए yes. हाँ स्माइल कीजिए अच्छा हुआ है उनके हुआ साथ बहुत बहुत अच्छा आप किया है मतलब मम्मी का सर ऐसा आदत नहीं है बड़े बड़े कैमरे को या सब सेटअप देखने का मुंबई भी पहली बार आई है तो थोड़ा सा नर्वस हो रही है इस बार मेरा मौका मिला है मुझे देखने के लिए बच्चे को तो बहुत अच्छा भी लग रहा है और ये मेरा फर्स्ट टाइम है मैं कभी देख नहीं पाती हूँ काम करती हूँ ना मैं बाहर में तो मैं इतना नहीं देख पाती हूँ मम्मी एक हॉस्पिटल पर सर क्लीनर का काम करती है और हम तीनों को उसी से पालती है हमारा 16 साल सर बहुत टफ था क्योंकि हमारे पापा नहीं रहे बहुत छोटे पे उन्होंने सुसाइड कर लिया था मैं शायद 6 साल या 8 साल का रहूंगा मुझे अच्छे से अपना एज पता नहीं है मेरे पापा ने बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया था जो वो दे नहीं पा रहे थे तो उस वजह से टेंशन में उन्होंने वो डिसीजन लिया था वो छोटे छोटे थे ना उन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है पापा कैसे होते पापा का प्यार कैसे हो कुछ मालूम नहीं पापा की कमी मुझे कभी माँ ने फील होने नहीं दी क्योंकि माँ ने इस तरीके से हमारा पालन पोषण किया है हर वो चीज़ जो उनके मतलब वो नहीं कर पाती थी बट स्टिल वो ट्राई करती थी कि वो हमें प्रोवाइड कर सके मेरा तकलीफ देख के वो मैंने मन खराब करके रह जाता है कि कुछ कर नहीं पा रहा हूँ माँ को इतना तकलीफ में चल रही है जैसे वो कुछ तो बोलता नहीं बस चुपचाप से रहता है लोग बोलते थे कि क्या डांस के वो करते हो बेटा को कुछ काम सब में डाल लो अब मैं मन में सोचती थी कि मैं क्या जवाब दूँ मेरा बेटा जब बड़ा डांसर होगा वही मेरा बेटा ही जवाब देगा
हमेशा मैं यही सोचता था कि कब मेरे हालात बदलेंगे और फाइनली पिछले साल आईवीडी 3 में आया और वो 2 मिनट का परफॉर्मेंस जो टीवी में आया उसने मेरे 10 साल के मेहनत को जस्टिस सा दे दिया। यहाँ से जब मैं निकला तो मुझे बहुत सारे वर्कशॉप्स मिले, बहुत सारे क्लास में ओपनिंग के लिए बुलाया गया एंड सबसे बड़ी बात मैं हमारे घर का जो परिस्थिति था 16 साल से वो अब बेहतर होने लगा है। मेरी मम्मी को मैं हंसते हुए देख पा रहा हूँ एंड वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। मैंने बहुत वक्त बिताया है हॉस्पिटल्स में जी। और वो जो आप काम करती है ना आपकी नज़रों में छोटा होगा लेकिन हम जैसे लोग हमारे नज़रों में बहुत बड़ा है क्योंकि वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो आपको मैं उन सारे मरीज उन सारे फैमिली मेंबर्स की तरफ से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। रोहन खत्म हाँ। नहीं हुआ है अब तो चूज करना जी, है मौका या चौका क्या चूज करोगे आज के बता दो फटाफट। मैं मौका लेना चाहूंगा। निखिल मौका या चौका क्या चूज करोगे। मौका मतलब आप मेगा ऑडिशंस में जाओगे और चौका मतलब कोई एक्स कंटेस्टेंट के साथ आप बैटल करके उनको मैच कर जाओगे या बेहतरीन कर जाओगे तो आप डायरेक्टली बेस्ट 12 में जाओगे वरना यहीं से घर जाना पड़ेगा। तो आप बैटल करोगे शिवांशु के साथ। He is one of our finest dancers. Yes, sir. Match karoge? Yes, sir. Amazing. Go for it. I love his confidence. Go for it. Crazy battle hone wali hai. Now, let the battle begin. Four. 4, 3, 2, 1. Kalbali hai, kalbali, kalbali hai, kalbali, kalbali hai, kalbali, kalbali hai, kalbali, kalbali hai, kalbali.
क्या ही कहूँ मैं कि शिवांशु तुम बहुत अच्छे हो, तुमसे मेरी नज़र नहीं हटती, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे, तुम कमाल हो, धमाल हो, बेमिसाल हो, लेकिन एक 14 साल के बच्चे ने आपको एकदम टक्कर की परफॉर्मेंस, मुझे सच में मज़ा आ रहा है, मुझे I'm loving watching these dances. उनका जो पैशन, जुनून, बहुत मज़ा आ रहा है. मज़ा आ रहा है, या. Next contestant, please, आ जाइए. आप में एक क्वर्क है, एक अलग अंदाज है. चलिए, let's call the next contestant, guys. Hello. Hello. Wow, कहाँ से हैं आप? मैं रहती बैंगलोर में हूँ, राजस्थान से. पढ़ाई कर रही हो अभी? हाँ, मैंने अभी मेरे 12th के बोर्ड्स दिए थे. अरे वाह. उसमें मैंने 94% किया. 94%. सीखा बेटा? So self trained हूँ. Self trained? Yes. You've never gone for any dance class? कहीं गई नहीं है आप? No sir, I had gone when I was very little. जब मैं बहुत छोटी थी. अब भी तो छोटी हो आप, 17 साल की हो. मतलब मैं जब 6 साल की थी. हाँ तब से. हाँ. फिर मैं एक साल ही गई, फिर छोड़ दिया, फिर मैंने खुद से. क्यों? मतलब एकदम सीधा साधा सिंपल. मेरी मम्मी बताती थी ऐसे ही कि प्लीज बाहर जाओ, कुछ फ्रेंड सर्कल रखो, कुछ तो करो. बस स्कूल आई यूज्ड टू गो फॉर डांस क्लासेस, बट तो मैंने थोड़ा सा भरतनाट्यम, कथक, तो मुझे बस यही शौक था, पढ़ाई, फैमिली और डांस बहुत शौक था. पर वैष्णवी, यू सरप्राइज्ड अस, यू वर सो ग्रेसफुल, और आपके जो एक्सप्रेशंस, मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने आप को देख रही हूँ, क्योंकि जब मैंने भी शुरू की थी, बड़े बड़े आँखें, बिग एक्सप्रेशंस, यू नो, श्री जी को देख के हमने भी सीखा था, और आपने वो बहुत ब्यूटीफुली ऐड किया. थैंक यू सो मच. बटर मस्का था इसका, तो मैं ये जरूर कहूँगी, लो लो ला. थैंक यू, थैंक यू. टू गुड. वाह. वैष्णवी, आई थिंक यू वर स्टुपेंडो, फैंटेबुलसली, फैंटास्मगोरिकली मैजिकल. वैष्णवी, बिना ट्रेनिंग किए आप एक ट्रेन डांसर की तरह दिखती हो. थैंक यू सो मच. ये
आगे होता रहेगा, ये होने के लिए आगे भी बढ़ना पड़ेगा, और आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा मौका या चौका. What would you choose? Please आइए और बताइए. मैं मौका चूज करना चाहूंगी. शाबाश. अरे पापा आप ऐसे से क्यों कर रहे हैं? जिस जिंदगी में चल रही उसी उसमें चलेगी, राइट लेफ्ट नहीं होगी. चौका लेके थोड़ा मौका ले. वो रिस्क नहीं लेना चाहती है? थोड़ी तो रिस्क लेना चाहिए. आगे बढ़े गीता. यस एक मिनट. आगे बढ़ने से पहले आप क्या क्वालिटीज ढूंढोगे जो आप चाहते हो एक पार्टनर में? तो मैं कुछ भी नहीं चाहती. अब मैं वो चाहती हूँ जो मुझे चाहे. सिर्फ लड़का हो और जिंदा हो. लड़का ना हो, जिंदा हो और चल फिर पाए. बस क्योंकि अब मेरी तो मतलब लड़खड़ाने लगी है उम्र. लेकिन कभी कभी अपने लिए चूज करना डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन दूसरे के लिए तुम मेरे लिए ढूंढ लो भाई. मैं तो बहुत सारे ढूंढ भी लू एज अ फ्रेंड, लेकिन ये सबको रिजेक्ट करते हो, क्या करें? टेरेंस तुम मेरी नजरों से हटो तो मैं किसी और को देखूं. हट झूठे. आपको यहाँ आना है. Yes, और हमें बताना है कि आप मौका लेंगे या चौका. फैमिली ने भेजा है, उम्मीद से भेजा है, ये रिस्की है चौका, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता. थैंक यू अंकित. टेरेंस सर, वो हमने रोंदे जो और कुछ बोला था. रोंद जाम इज अ फ्रेंच वर्ड फॉर सर्कलिंग ऑफ द लेग. ऑन लेयर मींस इन एयर. अनिकेत इंग्लिश तो आती नहीं है, वो समझ सकता हूँ, ये फ्रेंच वर्ड है रोंद जाम. रोंद मतलब पहले रोंदना है. अच्छा. रोंद एजम. ऑन द एयर. Can you show us that spin and turn? Yes! Yes. Oh. Rahul? Yes, sir. Mauka ya choka? Please go there and tell us. Thank you so much, Rahul. God bless you. Thank you, sir. Thank you so much. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.